नमस्कार, आज जेई एडवांस के चंडीगढ़ के बच्चों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि एलएन चंडीगढ़ सेंटर के लगभग 3 बच्चे जो ऐसे हैं जो टॉप 100 में हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसने कि चंडीगढ़ में टॉप किया है विद IR 48 रैंक के साथ। तो आइए आज हम बात करते हैं चंडीगढ़ एजुकेशन सेंटर के ट्राई सिटी हेड मिस्टर सदानंद वानी जी से। वानी जी नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत मुबारक है कि आपके 3 बच्चों ने टॉप 100 में दिया है और आपका रिजल्ट पीछे काफी अच्छा आता रहा है। तो अभी जो बच्चे आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे हैं, कैसे नहीं। नमस्कार सर, ऐसा है कि जैसे बताया आपने कि जो रिजल्ट है IIT एडवांस का, तो इस बार भी जो हमारी एक परंपरा है, हमारी एक लिगेसी रही है कि हमारे स्टूडेंट हमेशा चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो चाहे एडवांस का एग्जाम, दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस बार भी कमोबेश हमारे स्टूडेंट ने हमारी इस लिगेसी को रिटेन रखा रहा है। जैसे मैं बताया आपको कि हर्ष हमारा जो स्टूडेंट है उसने ऑल इंडिया रैंक 48 ली है, उसके अलावा सौमिल बंसल ने AIR 69 ली है और सौम्य बंसल का रैंक जो है वो 92 है। इसके अलावा एक बच्चा और है जिसने लास्ट टाइम जेई मेंस में अपने आपको अच्छा करते हुए 41 रैंक लिया था, इस बार वो 134 रैंक में है। तो ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ एक सबसे बड़ी चीज जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी है। दूसरा, जो जेई में एडवांस के एग्जाम में फर्क होता है, जो जेई मेंस का एग्जाम होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है और जो जेई एडवांस का एग्जाम है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो इसलिए हर जाकर जिसने कि अभी अपने आपको यहाँ एस्टेब्लिश किया, तो 300 प्लस जेई मेंस में रैंक लाने के बाद में उसने अपने आपको यहाँ पर 48 रैंक पर लाके एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट को काफी अच्छे से कैटर करता था। उसके अलावा जो दोनों बच्चे हमारे हैं सौमिल और सौम्य, दोनों ट्विंस हैं, इन दोनों ट्विंस ने अपने आपको जेई मेन से भी अच्छा किया था, वहां भी दोनों टॉप 100 में थे और यहाँ भी दोनों टॉप 100 में है। तो बच्चों ने लगातार जो उनको गाइडलाइन मिली, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, एंड रियली दे डिड वेल, वी आर वेरी प्राउड फॉर देम। तो इसमें जो एक परसेप्शन पहले चलती होती थी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थोड़े से उनके मुकाबले कम होते हैं, तो ऐसा कुछ है, ये परसेप्शन ही है? सर, काफी हद तक तो ये चीज परसेप्शन है, क्योंकि देखो हम एक बात जानते हैं कि प्रतिभा कभी भी जो है वो किसी जगह की मोहताज नहीं होती। बच्चा छोटी जगह से हो, बच्चा बड़ी जगह से हो, बच्चा किसी स्कूल से हो, अगर वो लगातार मेहनत करता रहे, अगर उसके साथ कॉन्टिन्यूटी है, तो रिजल्ट हमेशा उसी का होता है, और हमने इसको हमेशा ऑब्जर्व भी किया है। अच्छा, जैसे बच्चे हैं, बच्चे की स्टडी के अलावा उसकी मेहनत कितना डिपेंड करता है, और टीचिंग जो आपकी टीचिंग नॉलेज है या आप उनको वे ऑफ टीचिंग है, और बच्चे की नॉलेज कितना डिपेंड करता है दोनों का? सर, अगर हम लोग ये कहें तो हमारे हिसाब से सक्सेस जो होती है एक ट्रायंगल होती है। इसमें स्टूडेंट्स की पूरी मेहनत, टीचर्स का उनको पूरा गाइडेंस, और पेरेंट्स का उनको पूरा ट्रस्ट और उनको सपोर्ट। तो जो IIT का एग्जाम है सर्टनली NCERT बेस्ड है, बट NCERT बेसिस के जाकर ऊपर उसकी एप्लीकेशन होती है। तो एस एप्लीकेशन वाले केस के अंदर जब तक उस बच्चे के साथ कोई टीचर एसोसिएट होगा, तो वो काफी उसके लिए टाइम सेविंग चीज हो जाती है, उसको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प मिल जाती है, जिससे बच्चा उसको आगे अप्लाई करना इजी कर लेता है। तो प्रोसेस ये है कि एक स्टूडेंट की अपनी मेहनत बहुत नीडेड है, लेकिन साथ में एक राइट गाइडेंस उसे बहुत जरूरी है, जिसके हेल्प से अपनी मंजिल को पा सकता है। सर, आजकल एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल पड़ा है, अलग अलग तरह की ऐप आ गई हैं जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में या फ्री ऑफ कॉस्ट वो एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हम अब बच्चों को देंगे। कुछ एप्लीकेशन मैंने भी देखी है 150-200 रुपए पर मंथ वाली होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन आ रहा है नजर, या वो एप्लीकेशन कुछ इतनी कामयाब नहीं? सर, दोनों तरह के अपने अपने सेगमेंट्स हैं। कुछ ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम सिर्फ ऑनलाइन पर रहकर अपने आप को फोकस कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के साथ एक छोटी सी चीज बस यह है, बुराई कोई नहीं है उस समय, बस छोटी सी चीज यह है कि बच्चा जब ऑनलाइन पहुंचता है तो डिस्ट्रैक्ट होने के वे आउट थोड़े जल्दी खुल जाते हैं। और जो हमारी एक जिसको हम कहेंगे कि हमारी ट्रेडिशनल जो सिस्टम है कि टीचर स्टूडेंट सामने हो, बच्चा सर के साथ मिलकर बात कर सके, फेस टू फेस डिस्कशन हो, वो चीज मिसिंग होती है ऑनलाइन में। कई बार बच्चे का हम फेस रीड कर लेते हैं, मालूम पड़ता है हमें कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स हम ऑनलाइन पर रहकर बच्चे की कभी भी अवेलेट नहीं कर सकते। तो जो बच्चा अंदर से बहुत पैशनेट है कि मुझे करना ऑनलाइन पे है और मैं कर ही लूंगा, वो तो कर पाएगा, लेकिन जहां पर हल्का भी पुश चाहिए होता है, जो नॉर्मली एक मेजर बच्चा होता है, अगर हम अपनी बात भी करें तो मैं और आप भी कई बार लाइफ में हमारे ऐसे फेजेस आते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को फ्लक्चुएट करते हैं, पाते हैं कि कुछ हम डीमोटिवेट से हो रहे हैं। ऐसे केस में एक जो हमें ऑफलाइन मोटिवेशन मिलती है, जो इंटरेक्शन मिलती है, हमेशा बेनिफिशियल होती है। सर, बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने बच्चों के लिए जो एनुअल एग्जाम के लिए कुछ एग्जाम रखती है, जो कि स्कॉलरशिप के लिए होता है कि बच्चा इतना टॉप करेगा तो इतनी स्कॉलरशिप, एलएन भी ऐसा कुछ कर रहे हैं?
सर हमारा एग्जाम नेचुरली बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे एग्जाम को हम टैलेंट टेस्ट कहते हैं, हमारा एग्जाम टैलेंट टेस्ट का होता है, बट हमारे एग्जाम में छोटा सा फर्क यह है कि स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस दोनों उसमें एसोसिएटेड है, मतलब स्टूडेंट एलएन में एडमिशन ले या फिर न ले वो उस चीज से इंडिपेंडेंट है। ओके तो ये थे मिस्टर सदानंद वानी जी, आइए हम आगे बात करते हैं ट्विन बच्चों की, जो उनसे बात करते हैं जिन्होंने की अपने आप को दोनों ने टॉप 100 में रखा है और एक बच्चा हर्ष जाखड़ है जिन्होंने की चंडीगढ़ में टॉप किया है। तो आइए अभी बात करते हैं हम हर्ष जाखड़ से जिन्होंने की चंडीगढ़ में टॉप किया है विद रैंक ऑफ 48। हर्ष जाखड़ जी जरा बताएंगे अपने बारे में कि आपने कैसे 360 से 48 पे एडवांस कर लिखा है, आपने आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत उतनी ज़्यादा लगी नहीं, बट पेपर मैंने कंसिस्ट रखने दिए मेरे, इसके बाद उसको एडवांस के पैटर्न में एडजस्ट होने में टाइम लगा था, इसलिए उसी से रैंक। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, इसमें आपको हेल्प किससे सबसे ज़्यादा मिली? पहले था टीचर्स थे, टीचर्स का ही मेजर रोल रहा क्योंकि मतलब गाइड कर देते हैं कि क्या नहीं पढ़ना बेसिकली, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को, सब पढ़ने लगोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वहीं फोकस करवाया। तो आपका एम क्या है आगे, फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है आगे, किस लाइन में जाना है? अभी तो कंप्यूटर साइंस में ही जाना है आगे, रिसर्च वगैरह में। तो अभी एडमिशन के लिए कहीं सोचा है, कोई ऑफर आई है? अभी तो आईटी बॉम्बे का ही सभी पर काउंसलिंग होनी है, अभी काउंसलिंग होनी है। तो मदर फादर का क्या रिएक्शन था जैसे आपका ये 48 रैंक आया, क्या रिएक्शन था आपका? कुछ पहले तो उन्होंने स्कोर के हिसाब से तो पीछे ही बन रहा था, मतलब 60 के अराउंड लग रहा था रैंक, बट एकदम से 48 आ गया तो बॉम्बे कंफर्म हो गया, तो एकदम से काफी चिल्लाई दिए थे तो फिर काफी खुशी हुई थी। अपने मम्मी पापा का बैकग्राउंड बताएंगे कि मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा दोनों BSNL में एक CM है। और कितने भाई बहन हो? मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो भी IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस में 2 साल, वो भी IIT दिल्ली गई। उनका क्या रैंक था? उनका 431। तो आपने सिस्टर से भी अब आगे निकल तो ये कब IIT मुंबई के लिए कब अप्लाई करना आपने? अप्लाई शायद कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसके बाद महीने भर काउंसलिंग चलती है। तो ये बात करते हैं चंडीगढ़ के ट्विंस की जिन्होंने की टॉप 100 में रैंकिंग में आए हैं, सौमिल बंसल विद 69 एंड सौम्या बंसल विद 92। सौमिल और सौम्या आप दोनों में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा। तो आप सोमिल आपने ही रैंक ज्यादा ली है? हाँ, मेरी बेटर रैंक आई है। बेटर रैंक आई है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी आप दोनों की, इकट्ठे रहे हो, कैसे पढ़ते थे दोनों मिलके? हम जैसे बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, पेपर देते थे कंसिस्टेंटली एडवांस के, और अपने एरर्स देखते थे बस, और स्पेशली एक दूसरे के एरर्स थे वो काफी हद तक देखते थे। आपको इस चीज का बेनिफिट मिला कि आप एक मतलब परिवार में एक ही परिवार से थे, दोनों भाई थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, इस चीज को भी बेनिफिट मिला आपस में कंपटीशन को? हाँ, इसका काफी बेनिफिट रहता है कि अगर मेरा ब्रदर पढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन की, तो मेरे को ही पढ़ लेना चाहिए, उसको देख देख के मोटिवेशन मिलती है कि वो भी पढ़ रहा है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि हमने 100 टॉप 100 में आना है, इसमें आना है, कहाँ से मोटिवेशन मिली, किसको आप अपना वो मानते हो? मैं तो अपने टीचर्स को ही करूँगा, मतलब इस चीज़ के लिए क्रेडिट की उन्होंने ही मोटिवेट किया था, कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि हम टॉप 100 में आ सकते हैं। वो स्टार्टिंग से बिलीव रखते थे कि हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेहनत करेंगे तो टॉप 100 में आ जाएंगे पक्का। तो आपकी स्कूलिंग जो है मनीमारा से रही है, मनीमारा में जो कॉमन स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको हेल्प की इस चीज़ में? वैसे तो डमी स्कूल था तो इतना मतलब हेल्पफुल नहीं रहा, वो हम स्कूल जाते ही थे यूजुअली, मोस्टली आर्मी ही पढ़ते थे। तो अभी अभी सबसे पहले जो आपका रिएक्शन था आपके मदर फादर का, जैसे आपकी रैंकिंग सुनी और आप दोनों ही मतलब टॉप 100 में, तो मदर फादर का क्या रिएक्शन रहा था? Well, हमारी फैमिली में यूजुअली लाइक किसी ने इंजीनियरिंग की लाइन चूज नहीं की थी, तो उनको काफी प्राउड फील हुआ था, उनके लिए काफी लाइक सरप्राइजिंग था कि हमारा काफी अच्छा रैंक आया है। तो कहीं मम्मी पापा ने मना भी किया था कि इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना, आप दूसरी लाइन कुछ करो? नहीं, वो कहते हैं जो बनना है करो, उसकी प्रॉब्लम नहीं आई कभी, इंजीनियरिंग नहीं करनी, बिजनेस में ही रहो। तो फर्दर प्लानिंग क्या है आपकी, कहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना है? अभी तो IIT दिल्ली ट्राई करना है कंप्यूटर साइंस, और आप IIT दिल्ली। तो ये थे सौमिल और सौम्या बंसल जिन्होंने की टॉप 100 में अपने रैंकिंग कायम रखी है, मैं रविजय सिंह और प्रकाश भाई चंडीगढ़ से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।